वालेकुम कैसे हैं सब लोग आ, उम्मीद करता हूं सब हैरियत से होंगे आज की क्लास आटो डेस्क थ्री डी एस मैक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर टू है क्लास नंबर वन में हमने थ्री डी एस मैक्स के इंटरफेस को देखा था इंटरफेस को जाना था और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम थ्री डी एस मैक्स की बेसिक सेटिंग मतलब यूनिट सेटिंग और व्यू पोर्ट में बैकग्राउंड की सेटिंग और ये जो आपको तीनों चारों विंडोज़ पे जो आपको ये ग्रिड शो हो रही है इसकी सेटिंग कैसे करेंगे और लास्ट में फिर हम जो सेटिंग हम करेंगे उसको सेव कैसे करते हैं वो देखेंगे कि अगर हमने कोई सेटिंग की है तो वो सेटिंग हम थ्री डी मैक्स में कैसे सेव करेंगे ताकि जब भी हम दोबारा फाइल ओपन करें तो हमारे पास जो न्यू फाइल ओपन हो वो उसी सेटिंग के साथ ओपन हो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट सेटअप को सबसे पहले मैं आपको एक बॉक्स क्रिएट करके एग्जांपल देता हूँ मैंने ये बॉक्स क्रिएट किया इसकी डायमेंशन हैं। मैं डायमेंशन सेट करता हूँ इसकी लेंथ फोर्टी वीट्स भी फोर्टी कर देता हूँ हाइट भी फोर्टी कर देता हूँ अभी इसकी लेंथ और विथ और तो हाइट की वैल्यू तो है फोर्टी 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 लेकिन ये फोर्टी क्या है आगे यूनिट नहीं है हमारे पास कि ये फोर्टी सेंटीमीटर है या फोर्टी इंचज हैं या फीट हैं इसका मतलब ये है कि अभी जो यूनिट यूज हो रही है वो जेनेरिक यूनिट यूज हो रही है जेनेरिक यूनिट मतलब जो सिस्टम की अपनी यूनिट है वो यूज़ हो रही हैं यूनिट सेटअप में जाने के लिए मेन मेन्यू में हमारे पास ऊपर ये कस्टमाइज का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे उधर से हम यूनिट सेटअप पे जा सकते हैं इधर से हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूनिट सेटअप ओपन हो जाएगा आप इधर देख सकते हैं हमारे पास जेनेरिक यूनिट सेलेक्ट है इसलिए हमारे पास ये आगे कोई भी सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर शो नहीं हो रहा अभी जेनेरिक यूनिट क्या है ये भी हम इधर से सेट कर सकते हैं कि जैसे ये एक यूनिट एक इंच के बराबर है हम इधर सेंटीमीटर भी कर सकते हैं या मिलीमीटर भी कर सकते हैं हम मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर सेंटीमीटर करता हूँ और ओके करता हूँ इसका ये मतलब है कि ये जो 40 हमने ऐड किया है ये जो वैल्यू है ये फोर्टी सेंटीमीटर है उसको देखने के लिए आप ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको सब बताने के लिए हम ये देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं अगर हम ये मैट्रिक पे क्लिक करते हैं इधर से हम ये से, आ, सेंटीमीटर ऑलरेडी सेलेक्टेड है आप इधर से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं मिसाल के तौर पे मैंने सेंटीमीटर इधर सेलेक्टेड ओके किया इसका मतलब है ये जो बॉक्स है ये फोटी सेंटीमीटर का अभी हम ऐसा करेंगे जो यूनिट सेटअप है इसको हम रखेंगे इंचीज में ओके कर देंगे मतलब तो ये एक चीज़ हमारी सेट होगी कि जो यूनिट सेटअप है उसमें हमारी जो डिफॉल्ट यूनिट है वो एक यूनिट एक इंच के बराबर है हम ओके कर देंगे उसके बाद आपके पास ये तीन चार ऑप्शन है आप अगर चाहें तो मैट्रिक में काम कर सकते हैं यूएस स्टैंडर्ड में काम कर सकते हैं या कस्टम में या जेनेरिक यूनिट में डिफ़ॉल्ट पे ये जेनेरिक यूनिट सेट होगा लेकिन आप किसी में भी काम कर सकते हैं मैं ज्यादातर यूएस स्टैंडर्ड में काम करता हूँ यू स्टैंडर्ड में भी आपके पास काफ़ी ऑप्शन हैं मैं फीट और फ्रैक्शनल इंचज को सिलेक्ट रखता हूँ आप चाहें आप मेट्रिक सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर इवन आप किलोमीटर में भी काम कर सकते हैं लेकिन मैं यू एस स्टैंडर्ड रखूँगा और नीचे जो ये यूनिट है इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये फीट सेलेक्टेड है इसका मतलब ये है अगर हमारे पास ये फीट सेलेक्ट होगा मैं ओके करता हूँ इसका ये मतलब है अगर इधर मैं टेन एंटर करूँगा और ओके करूँगा तो जो मैंने वैल्यू ऐड की है थ्री डी एस मैक्स उसे फीट कंसिडर करेगा क्योंकि इधर हमारे पास फॉर यूनिट्स में इसके ऑप्शन में फीट सेलेक्ट है इसलिए मैं जो वैल्यू इधर ऐड करूँगा थ्री डी एस मैक्स उसको फीट में कंसिडर करेगा अगर मैं इधर इंचज पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ अभी अगर मैं टेन एंटर करके ओके करता हूँ तो जो जो वैल्यू मैंने ऐड की है टेन वो थ्री डी एस मैक्स को उसको इन चीज़ में कंसिडर करेगा तो इधर से भी हम रखेंगे फीट में क्योंकि इन डायमेंशन इस डिमेंशन में काम करना मेरे लिए इजी है और और इस यूनिट्स के साथ मैं अपनी डायमेंशन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ आप इधर से को, कोई सी भी यूनिट जो आपको बेहतर लगे या जिसमें आप डमेंशन इजीली सेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं आप वो सिलेक्ट करके ओके कर देंगे मैं ये सिलेक्ट करके और इधर से फिर सेलेक्ट करके ओके रखूँगा क्योंकि मैं इसी यूनिट में काम करने वाला अभी हम इसको डिलीट कर देंगे अभी जाते हैं हम व्यू पोर्ट में बैकग्राउंड की तरफ जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये बैकग्राउंड में जो इसकी बॉटम साइड है ये लाइट है और ये ऊपर वाली साइड जो है ये डार्क है इसका मतलब है हमारा जो बैकग्राउंड है वो ग्रेडियंट में है अगर आप चाहें तो इसको किसी भी सॉलिड कलर में रख सकते हैं व्यू पोर्ट की बैकग्राउंड की सेटिंग के लिए आप जाएंगे व्यूज में मेन मेन्यू में व्यूज में व्यूज से आप बैक व्यूपोर्ट बैकग्राउंड में के ऑप्शन से आप ये आप चेक कर सकते हैं अभी फिलहाल हमारा ग्रेडियंट कलर है आप सॉलिड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास सीन में कोई बैकग्राउंड है एच डी आर आई है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं इधर से मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगर व्यू पॉइंट बैकग्राउंड में इससे हमारे पास सारे ऑप्शंस या सारी सेटिंग्स आ जाती हैं मैं इधर से सिलेक्ट करूंगा यूज कस्टम यूजर इंटरफेस सॉलिड कलर क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में सॉलिड कलर चाहिए और अगर आपको ये सारे व्यूज़ के लिए चाहिए मिसाल के तौर तो पर मैं मैं देखता हूँ अभी ये हमारे पास चार व्यूज हैं ना मैं व्यूज में जाके इस सेटिंग में जाता हूँ तो यूज़ कस्टम यूजर इंटरफेस सॉलिड कलर मैं इसको क्लिक रखूंगा अगर आपको ये सिर्फ एक्टिव में चाहिए एक्टिव व्यू में चाहिए तो फिर आप अप्लाई टू एक्टिव व्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर आपको ये सारे व्यूज में सारी विंडोज में चाहिए तो आप अप्लाई टू ऑल व्यूज इन एक्टिव लेआउट टैब पे क्लिक कर सकते हैं मुझे सब में चाहिए मैं इधर से ओके कर दूंगा तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है ये सॉलिड कलर में आ गया और मैं इधर से ओके कर दूंगा आप इसकी सेटिंग इधर से भी लेके आ सकते हैं ये प्लस के आई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कन्फिगर व्यू पोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा इस पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड के ऊपर जब जाएंगे तो आपके पास वो सारी सेटिंग्स आ जाएंगी इधर से भी आप ये सेटिंग पे जा सकते हैं उसके बाद आते हैं हमारी ग्रिड की सेटिंग ग्रिड ये जो आप ये लाइंस देख रहे हैं चारों विंडोज़ में ये लाइंस ग्रिड कहलाते हैं ग्रिड्स की सेटिंग के लिए आप टूल्स में ग्रिड्स एंड स्नैपिंग में जाके इस पर क्लिक कर सकते हैं ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सेटिंग ओपन हो जाएगी इधर से आप होम ग्रिड पे जाके अपनी ग्रिड की सेटिंग कर सकते हैं लेकिन ये सेटिंग आप ये टूल बार में ये जो स्नैप्स ऑप्शन हैं इन पर आप किसी के ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास सेटिंग ओपन हो जाएगी इधर से आप होम ग्रिड पे जा सकते हैं ग्रिड स्पेसिंग इधर डिफॉल्ट जो है वो दस इंच है हम इसको करेंगे वन फीट जब आप वन फीट करेंगे तो आप देख सकते हैं जो, जो हमारी स्पेसिंग है वो ज़्यादा होगी पहले हमारी ये ग्रिड में जो स्पेसिंग थी वो कम थी मतलब दस इंच थी हमने एक फीट कर दिया एक फीट इसलिए की है कि मेरे लिए मतलब मुझे ये रिक्वायर्ड है कि मैं अपनी जो ग्रिड्स हैं वो एक फीट के फासले पर रखूँ क्योंकि जब मैं कोई चीज़ क्रिएट करूँगा तो मुझे पता होगा कि हम कि मेरी ये स्पेसिंग जो है ग्रिड्स में ये वन फीट के फासले पे एक लाइन है तो उस हिसाब से मैं अपने ऑब्जेक्ट को मैनेज कर सकता हूँ आप इधर कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं अगर आपको दो फीट चाहिए दस फीट चाहिए आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं एक फीट के साथ कंटिन्यू करूँगा उसके बाद यह है मेजर लाइंस एवरी एंथ ग्रिड लाइन मेजर लाइन क्या है मेजर लाइन है ये आपको थ्री में शो नहीं होगा ये टू में आप जब जूम आउट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ वाइट लाइंस के बाद एक ग्रे लाइन आ रही है ये जो ग्रे लाइन है थोड़ी सी आ, अगर आप देख सकते हैं तो ये है मेजर लाइन इसका ये मतलब है कि आपको कितनी ग्रिड लाइंस के बाद एक मेजर लाइन चाहिए तो ये भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं लेकिन मैं डिफॉल्ट वैल्यू रखूंगा और जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू ग्रिड एक्सटेंट ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये प्रस्पेक्टिव व्यू है उसमें हमारे पास जो वैल्यू इधर होगी उतनी ग्रिड्स होंगी मतलब वो कह रहे हैं कि आपको परस्पेक्टिव व्यू में कितनी ग्रिड्स लाइन चाहिए इधर सेवन एडिड है हम देख सकते हैं माइंड टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन के प्रस्पेक्टिव व्यू में हमारे पास सात ग्रिड लाइंस हैं आप इनको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं जैसे मैं अगर इधर दस एंटर करता हूँ तो ये दस ग्रिड लाइंस हो गई हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेकिन इधर भी मैं डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ही कंटिन्यू करूंगा मुझे साथ ही चाहिए और और जब आप इधर से ये सेटिंग कर लेंगे ग्रिड की सेटिंग कर लेंगे आप इसको क्लोज कर सकते हैं अभी ये आपकी सेटिंग हो गई है आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है सॉलिड कलर में आ गया है और आपकी ये जो ग्रिड की सेटिंग है ये भी चेंज हो गई है ये पहले दस इंचज़ थी हमने इसको एक फीट कर लिया अभी इस सेटिंग को आप सेव कैसे कर सकते हैं कि जब भी आप दोबारा थ्री डी मैक्स को ओपन करें तो आपके पास बिल्कुल सेम यही सेटिंग हो उसके लिए आप ये फाइल सेव करेंगे फाइल सेव कैसे करेंगे या किधर करेंगे आप फाइल पे जाएंगे सेव एज करना है आपने तो ये आपको डिफॉल्ट फोल्डर में ले जाएगा टी डी एस मैक्स के सीन में इधर आप फाइल सेव करेंगे मैक्स स्टार्ट एम एक्स एस टी ए आर टी जब आप ये फाइल सेव करेंगे एंटर करेंगे तो ये फ़ाइल आपकी सेव होगी मैक्स स्टार्ट डॉट एम एक्स अभी ये फ़ाइल आपकी सेव होगी अभी जब भी आप दोबारा से थ्री डी एस मैक्स रन करेंगे तो आपके पास बिल्कुल यही सेटिंग आएगी उसको चेक करने के लिए हम थ्री डी एस मैक्स को क्लोज़ करते हैं और इसको हम दोबारा ओपन करेंगे अब सी डी एस मैक्स लोड हो रहा है यह आप चेक कर सकते हैं मैंने ये दोबारा से फाइल मतलब सी डी एस मैक्स को ओपन किया है तो ये अनटाइटल्ड फाइल है लेकिन जो सेटिंग है हमारे पास जो सेटिंग हमने सेव की थी उसी सेटिंग के साथ आ रहा है हमारा बैकग्राउंड जो है वो सॉलिड कलर में है और हम ये ग्रिड की सेटिंग देख लेते हैं रूल्स में ग्रिड एंड स्नैप्स में जब हम होम ग्रिड पर जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं ग्रिड स्पेसिंग वन फीट और जो सेटिंग हमने की थी वह हमारे पास सेव हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो हमने यूनिट सेटअप देखा है या व्यू पोर्ट के बैकग्राउंड की सेटिंग देखी है या उसके अलावा हमने ये ग्रिड स्पेसिंग देखी है इन तमाम चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी तो इन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए खुदा हाफिज़ टेक केयर